तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस ब्लैक पैंथर को पीछे क्यों फेंका, तो उसको बहुत ज़्यादा नखरे हो गए। एक तो मैंने उसको एक महीने से उसको यहाँ पे पाल के रखा है अपने घर में, और ऊपर से मैंने उसको बोला कि भाई मेरा आज इंट्रो कर दे, तेरे इतने ज़्यादा फ़ैन हैं, मेरे भी थोड़े सब्सक्राइब हो जाएंगे, 5-6 बढ़ जाएंगे गाइस। तो वो बोलता है कि मैं नहीं करता, जा मुझे, मैं मेरे को भाव ही नहीं दे रहा है, मुझे रिप्लाई तक नहीं करा गाइस उसने। तो मैंने उसको तो पहले बोला कि आजा मैं तुझको अपने वीडियो में लूँगा और मेन रोल दूंगा। फिर उसको खड़ा किया मैंने एकदम किनारे पे, और जैसे ही उसका वीडियो शुरू हुआ ना, उठा के फेंक दिया नीचे। और गाइस अगर आपको लगता है कि मुझे उसको वापस निकालना चाहिए तो हिट दैट लाइक बटन। अगर इस वाले वीडियो पे 1000 लाइक हो गई तो गाइज हम लोग उसको बाहर निकालेंगे वापस से, और वो बक्से के पीछे गया। एक्चुअली मैं बता दूँ गाइज, जिनको बक्सा नहीं पता है, वैसे पता होगा, मैं भी पागल हूँ, सबको पता होगा। तो वो बक्से के पीछे गया है, और आप जानते ही होंगे जो चीज़ बक्से के पीछे गई वो गई, वो अभी ज़िंदगी भर के लिए नहीं निकलने वाली। तो अगर 1000 लाइक कर दिया तो मैं उसको बक्से के पीछे से निकालूंगा, और ज़रूर निकालूंगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस विलेज के अंदर, जहाँ पे मैं इन अपनी काउस को बांध देता हूँ। पहले एक का नाम है सुषमा और दूसरे का नाम है पता नहीं गाइस, दूसरे का नाम नहीं पता हमको। दूसरे का नाम शायद कांति रखा था हमने, पर पता नहीं क्या हो गया उसके नाम को। और इनको यहाँ पे अभी बांध देते हैं, और अभी हम लोग ये वाला विलेज को लूटना शुरू करेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो फर्स्ट घर आता है हमारे पास ये वाला, तो इसको लूट। अरे यार इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, पूरा कंगाल विलेज हो रखे हैं गाइस सारे के सारे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। हमको कुछ अच्छा देना, ये लोग तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये क्या दे रहे हैं गाइस, हम लोगों को इतना तो सामान हम लोग लेके ही आए थे। मुझे डायमंड डोमेंट चाहिए, यहाँ पे पूरे गांव को लूट के मुझे डायमंड चाहिए बिना माइन करे हुए। तो इस वाले घर को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। एक चेस्ट तो मिलना ही चाहिए गाइस, एक विलेज में एक चेस्ट मैंने सुना था कन्फर्म्ड होता है। और ये देखो यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, आधे बंदे पहाड़ के ऊपर गिर चढ़े हैं और आधे नीचे। पता चले जिसका घर हो पहाड़ वाला वो नीचे गिर जाए गलती से, और जिनके घर नीचे हों वो ऊपर चले जाएँ, तो वो सो भी नहीं सकते वहाँ पे। तो यहाँ पे गाजर हैं, तो गाइस मैं ले लेता हूँ, अभी यही ले लेते हैं, हम लोगों को भूख भी लगी हुई है। और ये वाला बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा गाइज, इसके देखो इसको ये हाथ में कैसे मुझे देना चाहता है गाइज। मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया मेरे ऊपर। दो दो दो, अच्छा ये सेल कर रहा है। ओ भाई साहब मैं समझ गया गाइज, जब हम लोग इनको ये चीज़ें दिखाते हैं ना पागल कहीं के पागल बनाते गाइज। अभी मैं मार के इसको वैसे छीन सकता हूँ ना गाजर हाथ में, लेकिन अगर इसको 4-5 बार मारूंगा तो हाथ से इसके गिर जाएगा। वैसे इस वाले घर में शायद मुझे चेस्ट दिख रहा है, तो इस बार मुझे डायमंड का पूरा आर्मर चाहिए, मुझे फुल सेट डायमंड का आर्मर चाहिए। ओ नो गाइज, हमारी हर बार पोपल रोटी है, पोपल बूटी, अरे मतलब मैं कुछ और बोलने जा रहा था, पर पोपल बूटी क्या होता है। अरे गाइज मैं कहने जा रहा था कि हर बार हमारी पोपट होती है, पर मेरे मुंह से निकल गया पोपल बूटी है। तो जो कुछ भी है बूटी है बूटा है। और अभी गाइज हम लोगों को गाइज गोलम से भी मिलना पड़ेगा इस गाँव के, क्योंकि पिछली बार उस वाले गोलम से गाइज मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो इस वाले गोलम को एक बार हम लोग हेलो बोल के आते हैं। हेलो, ओ मैंने गलती से मार दिया गाइज, मैं उसके ऊपर वो करने जा रहा था जैसे क्या कहते हैं, अरे यार जिससे उसको रिपेयर करते, वैसे मैंने क्लिक करा और वो नो पीछे आ रहा है। और ओ भाई साहब मैं कैक्टस के पीछे छुप जाता हूँ, अभी आएगा मारेगा तो इसको ही डैमेज पड़ेगा और मैं बच जाऊँगा इजीली। अभी रुको रुको, पहले इसको नीचे लेके आता हूँ, अभी मारो। अरे मार ना पागल, अब नहीं मारेगा गाइज, इसको पता है कि कैक्टस से खतरा है तो नहीं मारेगा। और वैसे बहुत टसन मारता है, अभी क्यों नहीं मार रहा है गाइज, अभी इसको कैसे भी करके ना कैक्टस पे अगर ये हाथ मारेगा तो इसको डैमेज पड़ेगा। ओके, तो ये कैक्टस पे तो मार नहीं रहा है, पर हमें ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने हमको मार दिया ना तो हमारी एक दो हड्डी यहीं से टूट जाएंगी और फिर मैं अपने घर भी वापस नहीं जा पाऊंगा। ओह गाइज, ओ फेंका। ओ नो गाइज, मैं उसके अंदर स्टक हो गया था यार, मैं कहाँ कंपोस्टर के अंदर फंस गया था। पर कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस गोलम से बहुत ही ज़्यादा बुरे वाला बदला लेने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ब्लैक पैंथर मेरा दोस्त है और उसने मुझे अपना आर्मर गिफ्ट करने को बोला है गाइस। तो हम लोग आज अपने फ्रेंड ब्लैक पैंथर का आर्मर क्राफ्ट करने वाले हैं। फ्रेंड यानी कि वो मेरा कार्टून वाला छोटा सा, असली वाला नहीं, असली में होता भी नहीं है। तो अभी गाइस हम लोग उसका एक आर्मर क्राफ्ट करेंगे इस आयरन गोलम से बदला लेने के लिए। पर उससे पहले मेरे जितने भी वीट वगैरह थे ना, सारे इस विलेजर ने ले लिया गाइस। ये बात मुझे बहुत ख़राब लगी, ये बात मेरे दिल को चीर के अंदर से निकल गई। और ये देखो विलेजर फिर से मेरे पीछे पड़ गया,
ये क्या करना चाहते हैं गाइज, एक बार मार तो चुका है, मैंने सुना था एक बार मारने के बाद नहीं मारता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे घुस जाएंगे अंदर और यहाँ पे बैठ के इसका इंतजार करेंगे, और जैसे ही आएगा ना इसको डंडी से मारूंगा मैं, हाथ में जो मेरे डंडी है ना इससे बजा दूंगा मैं इसका मुंह, आज देख लेना, आज या तो मैं रहूंगा इस विलेज में। वो खिड़की से मारता है, वॉल हैक लगाता है, पागल गई का एम बॉटर। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आज इसके सामने। गाइज मैं जितना ज़्यादा इस गोलम से डर रहा हूँ ना, मैं उतना एंडर ड्रैगन से भी नहीं डरा। वो बात अलग है कि मैं एक ही दो बार गया हूँ एंड सी क्या कहते हैं एंड सिटी, उसको एंड सिटी बोलते, क्या बोलते हैं एंड में गाइज बहुत कम गया हूँ मैं, एक बार गया हूँ शायद एंड में, वो भी ड्रैगन को मारने क्रिएटिव में। और इनको आखिरी बार खाना खिला देते हैं, क्योंकि जो मैं आज आर्मर क्राफ्ट करने वाला ना उनके लिए गाइज इनकी बलि देना ज़रूरी है। तो बलि देने के पहले इन लोगों को हम लोग अच्छे से खाना खिला देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इनकी अच्छे से बलि देंगे। तो बारी करते हैं गाइज इस वाली काउ से, और फिर बारी आती है हमारी चमेली की। ओके तो नाम मुझे याद आ गया गाइज, इसका नाम मैंने अभी पढ़ लिया, इसका नाम है चमेली, और अभी हमारे पास इनका बच्चा बचा हुआ है तो इसको भी मारेंगे अभी, क्योंकि हमें 5 वैसे लेदर चाहिए थे पर गाइज मुझे अभी तक 2 ही मिल पाए, तो 3 लेदर का जुगाड़ मुझे और करना पड़ेगा। और जिस विलेज से मैं भाग के आया था ना वहाँ पर मुझे याद है कि बहुत सारे वो थे क्या कहते हैं हॉर्सेस पाले हुए थे गाइज उन लोगों ने, तो मैं वहाँ पर जाके अभी सारे हॉर्सेस मार के ना लेदर लेके आऊँगा, और फिर हम लोग अपना बदला लेंगे इस पूरे विलेज से गाइज, हम लोग बदला लेंगे। और तू गोलम आज समझ ले, आज के बाद तेरी मौत आने वाली है दोबारा से। ओके तो फाइनली गाइज हम लोग चलते हैं वहाँ पे, हम लोगों को जाना है, और यहाँ पे देखो हमें कौन देखने को मिल गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा ना मुझे ये देखने को मिल गया, और इसको तो अभी बहुत बुरे से मारने वाले हैं, क्योंकि इसको जहाँ पे भी देखो मार देना चाहिए। और अभी मुझे एक लेदर भी इसने ड्रॉप करके दिया है, जैसे ही मैं इस पहाड़ी पर आया ना दो आए थे, पर एक को मैंने मारा तो कुछ मिला नहीं, दूसरे वाले पे मुझे कुछ मिला। तो अभी हम लोग चलते हैं उस विलेज पे, तो सामने की तरफ वो वाला विलेज है जहाँ से मैं आया था, और अभी वहाँ पे जाके गाइस हम लोग सारे के सारे हॉर्सेस मारेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से चलते हैं और फिर हम लोग पूरे विलेज से गाइस बदला लेने वाले हैं। तो हिट दैट लाइक बटन अगर आपको भी बदला लेना है उस गोलम से जिसने मुझे फालतू में नहीं मारा, मैंने उसको पहले मारा था, पर कोई बात नहीं गाइस बदला लेना हमारा काम है, तो हम लोग वापस से उससे बदला लेंगे। और एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे घर वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लूटा था, क्योंकि यहाँ का गोलम भी बहुत ज़्यादा नकचढ़ा था, और उसके पहले मैंने ब्लैक पैंथर को पीछे नहीं फेंका था। अगर ब्लैक पैंथर ने मुझे आर्मर क्राफ्ट करने की रेसिपी ना दी होती गाइस, तो मैं तो उसको निकालने वाला भी नहीं था। अभी तो मैंने उस लाइक एम रख के उसको निकालने का काम पक्का कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग 1000 लाइक काफ़ी इजीली कर दोगे। अगर नहीं करोगे गाइस तब भी मैं उसको निकालूंगा, क्योंकि मैंने उससे रेसिपी पूछी है। और अभी हम लोग इधर जाने वाले हैं, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मोड है, और अगर ये आपको मोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा ये मोड कैसा है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ अजीब सा घर है। ओके तो यहाँ पे 2 डायमंड मिले भाई साहब, मैंने सही बता रहा हूँ, मैं पहली बार ऐसा कोई घर पाया है ना जिसके अंदर मुझे डायमंड मिलते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी बटने क्यों है, इसको दबा दबा के कुछ मिलता है क्या, पिस्टन वगैरह चलता होगा ना यहाँ पे, इतना सारा ये वाला ब्लॉक लगा है। ओके तो वो गाइस कोई भी चीज़ें वर्किंग नहीं थी, और यहाँ पे एक और सिस्टम को मिल चुका है, तो वो सारी की सारी बटन ना ऐसे पोपला बनाने के लिए थी, और हम लोग बन भी गए थे, क्योंकि मैंने उनको 4-5 बाहर दबा दबा के ट्राई करा, मैंने सोचा कोई पैटर्न पड़ता होगा, पर हम लोगों को पोपट करने के लिए वो सब रखा गया था। तो अभी चलते हैं वापस से ऊपर की तरफ और देखते हैं एक लास्ट घर वगैरह एक इधर पर बचा हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं, बाकी सारे तो हमने लूट लिए हैं। और मुझे अभी एक लेदर और चाहिए, तो वो भी मैं लेके यहाँ से चलूंगा। ओ भाई साहब गाइज मुझे लग रहा है ये गांव वाले पूरी तरीके से पागल हैं, इन्होंने चेस्ट के अंदर एम्ब्रल्ड डायमंड्स रख रखे हैं। वैसे डायमंड माइन करने के लिए जाता कौन होगा विलेजर से, क्योंकि ये सारे केव में जाएंगे ना तो उधर से जॉम्बी विलेजर बन के आएंगे, पर कोई बात नहीं, हमें इससे नहीं मतलब है, सोर्स हमको पता नहीं करना कि डायमंड कहीं से, ये सब क्रिएटिव से लेके आए हुए ये सारे बंदे, तो उससे भी हमको मतलब नहीं है। और अभी हमारे पास पूरे 5 लेदर आ चुके, और हमको डायमंड भी मिल गए थे गाइज उस वाले विलेज से। तो अभी मैं अपने आर्मर को ना ओवर पावर्ड इंचेंटेड बना सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त रहेगा, और काफ़ी इजीली हम लोग गोलम को किल कर पाएंगे। तो देखते हैं गाइज कितने हिट में गाइज हम लोग गोलम को किल क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे मुंह को कुछ हो गया है क्या, मुझे लग रहा है मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, तो शायद
हम लोग उसको देखते हैं कितने हिट में किल कर पाएंगे। तो गाइज 1K लाइक एम कंप्लीट कर देना तो मैं अपने फ्रेंड ब्लैक पैंथर को वापस निकालूंगा और उसको हर वीडियो में अपने पास रखूंगा। सो मेक श्योर कि आप लाइक करो। और ये लो मैंने कर दिया गोलम को हिट और अभी मैं इसकी टिप्पी मार मार के भागूंगा, बार बार इसको परेशान करूंगा क्योंकि अभी मैं ओवर पावर्ड बनने वाला हूँ और अभी मैं सीधे भाग के जाने वाला हूँ अंदर की तरफ, क्योंकि अगर इसने मार दिया और ये रिसोर्सेज डी स्पॉन हो गए तो मेरा तो काम हो जाएगा यहाँ से। मेरी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत जो मैंने अभी की है वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। तो अभी मुझे बनाना है एक टोपा। तो ये गाइस हमारे पास हो चुके हैं 2 टोपे और अगर इनको हम लोग रखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने एक टोपा रखा एक टोपा, तो इनसे बनेगा एक सिंपल आर्मर। बट अगर मैंने रखा एक डायमंड तो बनेगा ब्लैक पैंथर ओवर पावर्ड आर्मर। और इसको पहनने के बाद ना भाई साहब मैं ओपी हो जाऊंगा गाइस। तो अभी चलते हैं अपने उसके पास जिससे हमको बदला लेना है, जो कि एक गोलम। तो गोलम के पास हम लोग वापस चलते हैं और ये आ गया गोलम। ओह भाई साहब मैं क्यों में गिर गया यार। ओके तो इनको पहले मारते हैं, इनको पहले मारो, ये बकवास कर रहे हैं पागल कहीं के। तो ये लो गाइस मैंने पहन लिया है और अभी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा हेल्थ हो चुकी है मेरी। ओह भाई साहब कितनी बहुत ज़्यादा हेल्थ हो गई मेरी। अभी ऊपर की तरफ कूदते हैं और ये एकदम भाई बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है गाइज ये आर्मर पहनने के पास। पर हमको मेन एम ये है कि हमको गोलम मारना है और ये एक हिट में ख़त्म हो गया गाइज। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड आर्मर हो गया हमारा, कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो गया है। इतना हमको करना नहीं था पर हो गया है तो कोई बात नहीं। और अभी इस गोलम का जो वो है ना वो भी हम लोग कर देते हैं इसका फ्लावर यहाँ पे लगा के। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हमने बदला लिया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। सो होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो पहली बार मैंने कुछ ऐसा ट्राई करा है फनी सा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, 1K लाइक कंप्लीट करा देना। एज यू कैन सी गाइज मैंने पहले ये आर्मर का स्किन नहीं दिखाया था पर आप लोग देख सकते हो ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है और सेम टू सेम ब्लैक पैंथर लगता है। और इसके साथ हम लोगों को अनलिमिटेड हेल्थ देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि हमारी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं कम होती। और अभी मैं आप लोगों को एक बार लावा के अंदर भी जाके दिखा सकता हूँ, ये देखो बिल्कुल भी मेरे को फायर रेजिस्टेंट भी मिल गया है। सो बाय बाय टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते।